अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 9 ए का, इसमें हमें इन रेशियोज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा सिंपल है, वैसे ही जैसे हम ग्रेटर फाइंड कर रहे थे कौन सा रेशियो बड़ा है, उसके लिए हमने एलसीएम निकाला था, सेम वही मेथड है इसमें भी, ठीक है। तो हमें पहले पता चलेगा कि बड़ा और छोटा कौन सा, तभी तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें उसे एक सीक्वेंस में या एक उसमें सॉरी उसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके तब पता कर पाएंगे हम कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो पहले इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे, इसके लिए पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे इसके डिनोमिनेटर्स का, यानी 2/3, 5/9 और 11/15 है, ठीक है। तो 3, 9 और 15 एलसीएम इन तीन का निकलेगा, है ना। एलसीएम ऑफ 3, 9 and 15 देखिए क्या आता है, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 5 = 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 3 और 5 रह जाएगा, फिर 5 से 5 × 5, तो 3 × 9, 5 = 45, यानी एलसीएम आ गया हमारा 45। अब हमें इन तीन के इनके डिनोमिनेटर्स को 45 ही लाना है यहाँ पर, तो ऐसी संख्या से गुणा करें इनकी कि 45 आ जाए, है ना। यानी 2/3 है, 3 की गुणा 15 से कर दें तो 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 15 नीचे करा तो 15 की गुणा ऊपर भी करेंगे तो 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, एक ये हो गया। दूसरा 5/9, 9 की गुणा 5 से कर दें ऊपर भी 5 कर देंगे, यानी 9 × 5 = 25 और 9 × 5 = 45, ठीक है। दूसरा एक तीसरा 11/15 और 11/15 और 15 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो 11 × 3 = 33 और 15 × 3 = 45, ठीक है। ये तीन हमारी संख्याएं आ गई, 30/45, 25/45 और 33/45। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लगाना है, यानी 25/45, है ना, सबसे छोटा हो गया। उससे बड़ा है 30/45 और सबसे बड़ा है 33/45। अब 25/45 वाला रेशियो कौन सा था, 5:9, यानी हम यहाँ पे इसका रेशियो लिख दें, अब चाहे ऐसे लिख दें 5:9 सबसे छोटा हो गया, फिर 30 वाला यानी 2:3 उससे बड़ा है रेशियो, और फिर 33 वाला है ये वाला 11/15 ये वाला, यानी 11:15 सबसे बड़ा है, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे, वो आप लोग खुद करने की कोशिश करना, और अगर नहीं आता तो मैं आपको उसको बता दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।